नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे वह प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे प्रश्न अधिकतर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं जिन्होंने लगाया नहीं है, और जिन्होंने लगाया है वह बड़े ही सिंपल तरीके से सोल्व भी करके आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वह कौन सा प्रश्न है जिसने सबको डरा के रखा है, ठीक है। प्रश्न है 783 × 783 × 783 +217 × 217 × 217 /783 × 783 −783 × 217 +217 × 217 को सरल कीजिए। यानी ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, गुणा वाला सवाल है, लेकिन हम इसको गुणा करके सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखें कि दो डिजिट हमें दिख रहे हैं, 783 दिख रहा है और एक 217 दिख रहा है। तो हमें मानते हैं कि ए बराबर है 783 और बी बराबर है 217, ठीक है। अब इसका 3 बार गुणा है, यानी क्या बनेगा, यहाँ ए की पावर 3, इसका भी 3 बार गुणा है, ए बनेगा बी की पावर 3, नीचे क्या बनेगा, 2 बार गुणा है, तो ए स्क्वायर माइनस ए और बी हो जाएगा, और प्लस इसका गुणा है तो ए होगा बी स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा प्रश्न बनेगा, ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे भी वही था हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। हमें देखेंगे ए सेम सेम मिलेगा, इसको हम काट देंगे, क्या हमारा बचेगा ए प्लस बी, ठीक है। यानी इस प्रश्न को हमें सिर्फ प्लस के माध्यम से सॉल्व करना है। ए की वैल्यू थी 783 और बी की वैल्यू थी 217, 7 और 3 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10। यानी इस प्रश्न का आंसर आना था 1000, लेकिन किस मेथड से, इस मेथड से। अगर उस मेथड से आप लगाएंगे, गुणा करें फिर करते जाएं तो आएगा 1000, लेकिन 1000 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।